हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सबसे पहले भीम अशोक पुरिया चैनल की तरफ से आप सबको नमस्कार करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे, कि एपोक्सी टाइल ग्राउट कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों मैं एक खुद कारीगर हूँ और लगभग मैं 2002 से टाइल में काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। तो अगर आप मकान बनवाए हुए हैं या नहीं बनवाए हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। हम बताएंगे कि टाइल कॉक्सी कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये टाइल कॉक्सी है जो 5 kg का है और लगभग 5500 रुपये का आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से लगाएंगे और हिसाब से लगाएंगे, आप सबको बताएंगे। दोस्तों हमारी ये हैदराबाद में एक साइट थी अयोध्या में, जो कि फाइनल हो चुकी है और 4x6 की टाइल लगाए हुए हैं और पूरा 3 फ्लोर का है, सब फाइनल है, 3रे फ्लोर पर है। अभी हम इस बिल्डिंग की पूरी वीडियो आप सबको दिखाते हैं, बाथरूम की दिखाएंगे, रूम की दिखाएंगे और हाल की कैसे लगा है। तो दोस्तों जैसे कि जब भी टाइल लगवाएं, जैसे 2x4 मतलब 2x2 से बड़ी टाइल जब भी लगवाएं तो ज्वाइंट स्पेशल से ही लगवाएं। स्पेस से लगवाने का फ़ायदा ये होता है सर, जैसे 2.5x5 है उससे बड़ी टाइल है, जब उसमें से गैस रेशियो होती है, जैसे ठंडी के मौसम में उड़ता है, गर्मी के मौसम में फैलता है, अगर हम ज्वाइंट लेस लगाए हुए टाइल हैं तो उसमें से आवाज़ आने लगती है, टाइल इधर उधर होती है, बाजने लगती है, और स्पेशल लेकर लगाने से ऐसी समस्या कभी नहीं आती। छोटे कैमरे से हम दिखाने जा रहे हैं आपको कहाँ कौन से। पहले दोस्तों हमें दिखाएँगे कि 4x6 की टाइल ए फ्लोर की टाइल है, ये हॉल है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। देखिए इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाया गया है। और आप सबको अब ले चलते हैं रूम की तरफ। ठीक है, ये सब फॉर सीलिंग है और तो ये रूम है, तो इसमें हमने 2.5x5 की टाइल मंगवा कर लगाई है। मालिक से बोला कि सर इसमें 2.5x5 की लाएँ, तो ये 2.5x5 की टाइल इसमें लगाए हुए हैं और हॉल में 4x6 की है। तो दोस्तों हम बाथरूम आपको दिखलाएंगे। तो दोस्तों देखिए बाथरूम है, इसमें भी 2.5x5 की टाइल हम लगाए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम टाइल एपॉक्सी का डब्बा आता है जो 5 लीटर का दरअसल हमने मंगवाया हुआ है, और इसको खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है। और ये ओपन किया गया है और इसमें से निकलता है ये सोखता है, खोल कर दिखलाइए पूरा सोखता, और ये सोखता है जिससे क्लीन। देखिए डब्बे के अंदर एक सोख्ता निकलता है जिससे टाइल के बाद पहुंचा जाएगा, और एक ग्लव्स निकलता है जिससे हाथ में दिक्कत ना हो, क्योंकि हार्ड होता है वो, ग्लव्स पहन कर ही लगाया जाता है एडहेसिव। और देखिए इसमें एक डब्बा दिखाई दे रहा है, डब्बा निकालिए, और ये हार्डनर है जो हमें मिलाया जाता है, और ये हार्डनर है। दोस्तों हम आप सबसे बताएंगे कि टाइल जब भी लगवाएं, मतलब बड़ी टाइल जब भी लगवाएं, एकदम स्पेशल से ही लगवाएं, एडहेसिव है। और देखिए हार्डनर है जो एडहेसिव, हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे। और ये फर्श की टाइल है जो एकदम बिल्कुल सही तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया है, और ऐसा ना रहे कि तुरंत क्लीन करने के बाद तुरंत लगाया जाए, ऐसा करेंगे आप तो मालिक के घड़ी में 12 बज जाएगा, तुरंत दिक्कत आ जाएगी, उखड़ जाएगा एडहेसिव। इसलिए हम लोग इसको कल धुलाई किए थे और आज लगाने जा रहे हैं। तो हार्डनर का डब्बा इसको खोलेंगे और इपोक्सी में अब हम मिक्स करेंगे इसको। देखिए अब मिक्स कर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी टाइल लगवाना होगा, और हार्डनर हिसाब से डाले, नहीं तो तुरंत 15-20 मिनट के बाद काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हार्डनर जो रहता है उसको हिसाब से डाला जाता है। और इसमें एपॉक्सी अब डालते हैं हम, अब इसको हम खूब अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसको, पूरा एकदम एक में मिल जाए हार्डनर और एपॉक्सी, पूरा अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसको। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, अब हम एपॉक्सी भरने जा रहे हैं, एपॉक्सी भरी जा रही है, इसको खूब दबा करके भरना है, खूब दबा करके भरना है इसको, नहीं तो जब हम साफ़ करेंगे तो एपॉक्सी 2-4 mm नीचे चली जाती है, इस वजह से इसको खूब बारीकी से दबा करके भरना है। और दोस्तों एक बात ध्यान रहे, एपॉक्सी भरने वाला जानकार होना भी आप भरवाएं, जानकार आदमी से एपॉक्सी भरवाएं। और देखिए एपॉक्सी अब किसी तरीके से भरा जाता है,
ऐसे खींच लिया जाता है और बारीकी से इसको भरा जाता है। और देखिए इसी तरीके से इपॉक्सी भरी जाती है, पेस्ट को लगाते हैं जो गैप रहता है स्पेस में, और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको लगाया जा रहा है। ये दोस्तों हम एपॉक्सी भर के पूरा इसको फाइनल कर दिए हैं, पूरा जॉइंट में एपॉक्सी डाल दिए हैं, अब इसकी धुलाई हम करने जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा पानी लिए हैं और उसी में भिगो करके और इस पर हम धुलाई कर रहे हैं, और जॉइंट पर सीधा ना घसीटें और उसको गोल गोल जितना घुमाएंगे उतने ही फिनिशिंग आएगी, शाइनिंग उतनी ज़्यादा होगी। और जॉइंट में अगर सीधा उसको स्क्रैच करेंगे तो इपॉक्सी में स्क्रैच पड़ जाएगा, इसीलिए हम जॉइंट पर गोल गोल उसको नचाते रहते हैं। तो दोस्तों सोखता दिया है और इसी सोखते से इसको क्लीन करें, कपड़े से क्लीन नहीं किया जाता, अगर कपड़े से क्लीन करेंगे तो उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा जॉइंट में, इसीलिए ध्यान रहे जब भी हम इपॉक्सी को साफ़ करें तो उसमें से जो सोखता दिया होता है उसी से ही साफ करें, और पानी में भिगो करके जॉइंट पर गोल गोल घुमाते रहें, एकदम लाइट आ जाएगी जॉइंट में। ऐसे पोंछने के बाद जो पानी इधर उधर रह जाता है उसको हम ऐसे कपड़े लेकर के, सूती कपड़ा लेकर के ऐसे आराम आराम से साफ़ कर लेते हैं, और ध्यान रहे कि जॉइंट पर कपड़ा ना घिसे, नहीं तो इस ग्राउंड में दिक्कत आ जाएगी। फर्श हम साफ़ कर लेंगे और देखिए हमारा ये एपॉक्सी का मतलब पूरा फर्श फाइनल हो गया।